हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, बेसिकली जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो बहुत सारे बच्चों को यार थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ बिहाइंड, बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बताऊँ कि लेक अप मैथमेटिकल नॉलेज और ये चैप्टर लास्ट में पढ़ाया जाता। कुछ तो ऐसी बात होगी ना जो लास्ट में पढ़ाया जाता, आसान रहता तो पहले ही पढ़ाया जाता। तो पहली बात है जो वो है लेक अप मैथमेटिकल नॉलेज। दूसरा, लास्ट में जो मैं एक्सपीरियंस देखा हूँ कोचिंगों में, लास्ट में होने की वजह से इसको उड़ा दिया जाता है। उड़ा दिया जाता है मतलब जल्दी जल्दी में इसको निपटा दिया जाता है। तो बेसिकली समझने की कोशिश करना कि मैं कैसे समझा रहा हूँ। और SHM से एक क्वेश्चन हर साल आता है, 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था और आगे भी आएगा यार। पहला है फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे सिंपलेस्ट ऑसिलेशन है। अब इसमें जो फेज डिफरेंस है वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेशन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको पता है कि ए साइन ओमेगा टी होता है, वेर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM और एक्स इज द पोजिशन, इंस्टेंटेनियस पोजिशन जब टाइम टी है। ये मीन पोजिशन, यहाँ से पार्टिकल जाता है और यहाँ पर जाके रुकेगा एक्सट्रीम पोजिशन प्लस ए, वापस आएगा यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर इधर जाएगा, फिर आएगा, तो ये ऑसिलेशन पूरा हो जाता है। तो ये जो है अब डिस्प्लेसमेंट है, जो वेलोसिटी होगी वो होगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो डीएक्स ओवर डीटी होती है। एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दे, चेन रूल लगेगा, पहले साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे, फिर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा मिलेगा। अब इतना इसको लिख सकते हो, एक्सलेशन को लिख सकते हो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, मतलब माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, दिस इज द एक्सलेशन। अब आपको फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो फेज डिफरेंस निकालने का तरीका ये है कि वाई वन इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, एक इक्वेशन ये है, और वाई टू इज इक्वल टू ए साइन थीटा टू है। तो मैं डायरेक्ट फेज डिफरेंस निकाल लेता हूँ, या तो दोनों साइन में हो या तो दोनों कॉस में हो। तो इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई वो थीटा टू माइनस थीटा वन। फेज डिफरेंस बेसिकली मैथमेटिकली दिस इज द थीटा इज द फेज, ये थीटा फेज है। तो इन दोनों में जो या तो दोनों साइन में हो या तो दोनों कॉस में हो। तो अब एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट में पूछा है, तो एक्सलेशन तो साइन के फॉर्म में है और ये भी साइन के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर माइनस चढ़ा हुआ है यार, सामने इसके माइनस कूद के आ गया है कहीं से, तो इसको इसी के जैसे लिख दूँ या उसको इसी के जैसे लिख दूँ। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिख सकता हूँ, है ना, पढ़े हो, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, ये अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स पढ़े हो तो पाई प्लस थीटा इस कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे और इसमें जो साइन होता है साइन इसमें एक्चुअली निगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। तो ये तो अब एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट में जो फेज डिफरेंस है ये ओमेगा टी है, और साइन ओमेगा टी इसमें घटाओगे तो फेज डिफरेंस पाई आ जाएगा। अगर मैं वेलोसिटी में निकालना होता तो कैसे लिखते, वेलोसिटी को लिखोगे, वेलोसिटी कितनी है बोलो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इतना लिख सकता हूँ, या ए ओमेगा साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा, बात बराबर है ओमेगा टी, क्योंकि आपको पता होगा पढ़े होगे कि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल होता होगा, होता है, होता होगा क्या यहाँ से, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, इसमें साइन पाई बाई टू
प्लस थीटा, सेकंड में चले जाएंगे क्वाड्रेंट में, और सेकंड में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब ये पाई बाई टू होता है तो चेंज होता है कॉस। तो ये पॉइंट बहुत बेसिक आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो जो वेलोसिटी है, अब आपको यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी और एक्सलेशन में, एक्सलेशन ये वाला आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, जो फेज का डिफरेंस है, अब ओमेगा टी इसमें पाई बाई टू है, और जो वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है उसमें फेज डिफरेंस पाई बाई टू। तो बेसिकली अभी हमें जो चाहिए था वो एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट में चाहिए था, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। थोड़ा सा इसमें इक्वेशन लिखने में दिक्कत आती, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन बाई दिस वन। देखो, अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक SHM है, तो उसका इक्वेशन हम लोग को पता है Y1 इज इक्वल टू ए साइन थीटा टी। जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, वो क्या होते हैं, वही सिंपल हार्मोनिक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और वही उन्हीं से हम SHM को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अब ये जो इक्वेशन दिया, इसको अच्छे से ध्यान से देखो, बड़े आराम से इसको देखो। ये देखोगे तो ए साइन ओमेगा टी और बी कॉस ओमेगा टी का समेशन है, मतलब ये सुपर पोजिशन ऑफ SHM, दो SHM से मिल के बना हुआ इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो दो सिंपल हार्मोनिक को मिलाया गया है मोशन को, तो एक नया मतलब जो इक्वेशन बना उसका एक इक्वेशन है, और उसकी एम्पलीट्यूड निकालना है। आपको पता होगा कि ये जो कॉन्स्टेंट है वो एम्पलीट्यूड को अफेक्ट नहीं करता है। तो अब आप पढ़े होगे तो y, अगर एक इक्वेशन इतना है और एक दूसरा ये है a cos ओमेगा t, तो इन दोनों में जो फेज का डिफरेंस है a sin, इसको लिख सकता हूँ cos ओमेगा t पाई बाई टू प्लस ओमेगा t, इन दोनों में फेज का डिफरेंस क्या है, पाई बाई टू का है cos को। तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली वो दो SHM का सम है, a sin ओमेगा t और a cos ओमेगा t, और इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई वो पाई बाई टू है। आप थ्योरेटिकल में अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप थियरी जाइए और उसमें पढ़िए सुपर पोजिशन ऑफ SHM, दो SHM का कॉम्बिनेशन समेशन सुपर इम्पोजिशन। तो जो रिजल्टेंट, जब दो SHM को मिलाया जाता है तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, पहले वाले का एम्पलीट्यूड A1² प्लस दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड A2² प्लस 2A1A2 cos phi, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू SHM। दो SHM को मिलाया गया, एक का एम्पलीट्यूड A1 था, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 था, उनके बीच फेज डिफरेंस फाई था, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो अब मैं इसको यहाँ अपने कंडीशन के हिसाब से लगाऊंगा, तो यहाँ A1 पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना, बोलो A का स्क्वायर, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड कितना है, B है, तो B का स्क्वायर प्लस 2AB, इन दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाई टू है अंडर रूट, तो यह आ जाएगा A² प्लस B², दैट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये इफेक्ट नहीं करता है। तो A² प्लस B² मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ए सिंपल पेंडुलम हैंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द सफिशियंट हाई बिल्डिंग। अगर एक हाई बिल्डिंग है जिससे मैं एक सिंपल पेंडुलम लटका दिया हूँ, मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, द एक्सलेशन ऑफ बॉब ऑफ द पेंडुलम इज। अब देखो, एक्सलेशन दिया हुआ है 20 m/s² जो दिया हुआ है उसको लिख लो, छाप लो। डिस्टेंस x इज इक्वल टू 5 m फ्रॉम द मीन पोजिशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब देखो, SHM जो होता है वो क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। ये पार्टिकल यहाँ से जाएगा मीन पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन पे जाके रुकेगा, वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। तो जो ट्रू एंड फ्रो मोशन होता है वो ऑसिलेशन होता है। अब आप पढ़े होंगे थ्योरी में, हर एक ऑसिलेशन SHM नहीं होता यार, हर एक ऑसिलेशन SHM नहीं होता है, और लेकिन जो SHM है वो ऑसिलेशन ही होगा। तो ये बात आपको क्लियर होगा। तो इसमें जो SHM होता है उसमें एक्सलेशन का, अगर ये मीन पोजीशन है जो ओरिजिन पे, हमारा जो सिलेबस है उसमें मीन पोजीशन ओरिजिन पे ही रहता है,
तो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर जो एक्सलेशन होता है वो हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है, और उसकी एक इक्वेशन होती है, एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस में ऑसिलेशन कर रहा है तो दिस इज द एक्सलेशन। अब इस एक्सलेशन से हमें टाइम पीरियड पोजिशन भी दिया, एक्सलेशन भी दिया, तो टाइम पीरियड निकालना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π टी, ये 2π टी, तो इसका मतलब है हुआ, ये वैल्यू यहाँ डाल दो यार, ए की वैल्यू डाल दो 20 और ओमेगा 2π टी का स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, माइनस साइन को इग्नोर कर दो, रीस्टोरिंग के लिए आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक्सलेशन वेक्टर हमेशा अपोजिट ही होंगे, दैट इज ऑलवेज अपोजिट। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो तो यह जाएगा 4 और यह जाएगा 2, मतलब 2π अपॉन टी, तो 2 ने 2 को, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई सेकेंड, मतलब बी ऑप्शन सही है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है भैया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। स्प्रिंग ऑफ द फोर्स कॉन्स्टेंट के है, एक स्प्रिंग है, अगर इसकी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, चलो के ही लेते हैं जनरली, इसको मैंने 3 पार्ट में कट किया चाकू से, कुछ भी से जैसे आपकी मर्जी, एक छोटू, उससे थोड़ा सा बड़ा, और उससे थोड़ा सा और बड़ा, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि K1:K2:K3 इज इक्वल टू 1:2:3, इस तरह से मैंने 3 पार्ट में कट कर दिया। अब फिर कट करने के बाद उसको एक बार मैंने सीरीज में जोड़ा और एक बार मैंने पैरेलल में जोड़ा, तो इन दोनों का सीरीज और पैरेलल का रेशियो निकालना, के डैश सीरीज में है, के डबल डैश पैरेलल में है, तो इन दोनों का रेशियो लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर जोड़ना ही था तो काटे क्यों, है ना, फिर भी सवाल बनाना ना भैया। तो पहला जो K1 हो जाएगा ओरिजिनल वो K हो जाएगा, और दूसरा जो K2 हो जाएगा वो 2K हो जाएगा, और तीसरा K3 हो 3K हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल K था रेशियो के टर्म में। अब आपको सीरीज में हमें याद रखना है कि स्प्रिंग का जो समेशन है वो रेजिस्टेंस के अपोजिट चलता है। रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे होते थे, R=R1+R2, या 12th में कैपेसिटर पड़े होंगे तो कैपेसिटर के जैसे स्प्रिंग चलता है। तो सीरीज में 1/K′=1/K1+1/K2+1/K3, भाई इन तीनों को जोड़ोगे तो एक सीरीज में, तो एक नया स्प्रिंग कांस्टेंट के मिलेगा। सीरीज में मतलब होता है एंड टू एंड जोड़ना, K′ मिला, तो उस K′ की मेरे प्यारे बच्चों जो वैल्यू आ जाएगी 1/K+1/2K+1/3K, तो इसको जोड़ लोगे तो 1/K कॉमन आ गया, और LCM 6 हो गया, 6 5, और LCM 6 हो गया तो 6+3+2 11 क्या जाएगा 11/6K, दैट इज द K′ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6K/11। इसको अभी ऐसे रहने दो। अब हम लोगों को चाहिए पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में डायरेक्ट होता है प्यारे बच्चों K′=K1+K2+K3, तो ये 1K 2K एंड 3K, तो ये मिला के 6K, तो डिवाइड कर दो K′/K′ का रेशियो चाहिए तो 6K/11 और K′=6K, तो 6K ने 6K, तो 1/11, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन। तो 1/11 ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है, बी ऑप्शन सही है ना, ये तो आसान था। एक कहता पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड, जब देखो लीनियर क्या बोला, जब बताया नहीं जाएगा तो मैं लीनियर ही कंसीडर करूंगा मेरे भाई, वैसे जनरली बता दिया जाता है सिंपल हार्मोनिक एंगुलर भी होता है लीनियर भी होता है, एम्पलीट्यूड 3 है। वेन द पार्टिकल इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन, जो डेटा दिया हुआ है पहले उसको छाप लो, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, इधर से जाएगा इधर आएगा रुक नहीं पाएगा, इधर जाएगा फिर वापस आएगा, ये ऐसे चल में ये एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं, ये मीन पोजीशन होता है।
अब कहता है एम्पलीट्यूड 3 है, तो चलो एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दे रखा है। व्हेन द पार्टिकल इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, मान लो एक्स 2 सेंटीमीटर है मीन पोजीशन से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू इट्स एक्सलेशन। समझना, एक्सलेशन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो तो टाइम पीरियड निकालना है। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो एक्सलेशन होता है और जो वेलोसिटी होती है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है एंड इट ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट। तो हमें अभी पोजीशन डिपेंडेंट वाला इक्वेशन चाहिए। जैसे जैसे पोजीशन बदलेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बदलती है, वैसे वैसे एक्सलेशन बदलता है। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है, मिनिमम होती है, और यहाँ पर एक्सलेशन मिनिमम होता है और यहाँ पर एक्सलेशन मैक्सिमम होता है, उल्टा होता है। तो वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट होती है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। जैसे जैसे पोजीशन बदलेगा एक्स वैसे वैसे वेलोसिटी बदलेगी, ओमेगा एक कांस्टेंट है, ए एक्सलेशन पोजीशन डिपेंडेंट होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो ये एक्सलेशन पोजीशन डिपेंडेंट है, एक्चुअली जो एक्सलेशन है वो इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये दोनों, अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जो मैग्नीट्यूड इक्वल है तो कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो मॉड ले लो, इसका मॉड ले लो, तो यह आ जाएगा ओमेगा एम्पलीट्यूड ए माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक ओमेगा ने एक ओमेगा को खा गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तब निकलेगा जब ओमेगा निकलेगा। तो यहाँ से ए इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 9 और एक्स का स्क्वायर 4 माइनस 1 मतलब 5/4, दैट इज द अंडर रूट, दैट इज द ओमेगा। ये आ गया ओमेगा। ओमेगा होता है 2π टाइम पीरियड इज इक्वल टू 5/4 अंडर रूट। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 4π और √5। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी सॉल्व किया करो, रोबोट की तरह सॉल्व करो। 4π वही आदमी कंपटीशन रेस जीतेगा, इट इज़ द रेस यार, जो जल्दी भागेगा वही जीतेगा, इट इज़ द रेस। बी ऑप्शन सही है। आता सबको, सब पढ़ लिख के गए हैं, सब पढ़ाई लिखाई किए हैं, लेकिन जो टॉपर है और जो सबसे लास्ट वाला है उन दोनों के क्वेश्चन करने के में डिफरेंस होता है। बॉडी ऑफ मास एम अटैच टू द लोअर स्प्रिंग, मुझे स्प्रिंग एंड इज फिक्स्ड। चलो एक स्प्रिंग लेता हूँ मैं, इससे एक मास अटैच करता हूँ और एम, और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के लू लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्प्रिंग नेग्लिजिबल मास का है, बहुत अच्छी बात, नहीं बताया जाता तभी भी मैं लेता। When the M is slightly pulled down and released, oscillate 3 second time period. अब इसको खींचो, इसको पकड़ के खींचो और उसके बाद oscillation start हो जाएगा, जिसका time period 3 second, ऐसा ये question में बता रहे हैं। कहता है mass M increased by 1 kg, जो पहले M था उसको मैंने M plus 1 कर दिया, तो time period हो गया 5 second। तो actual mass कितना था उसको हमें निकालना है। ये मास m था, टाइम पीरियड t डैश 5 सेकंड हो गया, तो मास m डैश इज इक्वल टू m प्लस 1 हो गया। तो ये हमें m की कैलकुलेशन करनी है। आसान क्वेश्चन है, इसको मैं आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूँ। पहला कंडीशन मास m था, टाइम पीरियड 3 था, दूसरा टाइम पीरियड 5 सेकंड हुआ, मास 1 kg बढ़ा दिए। तो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड 2πm/k होता है, सारी दुनिया को पता है। ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होती है, या मोर प्रिसाइज कोई कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगे तो ये टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दो, तो ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होती है। वैक्यूम में रख दो तभी भी इतने से ऑसिलेट करेगा। तो चलो ये जो टाइम पीरियड है, अब वो मास से कैसे रिलेटेड है, 2π यूनिवर्सल कांस्टेंट है, के भी स्प्रिंग का कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अंडर रूट। प्यारे बच्चों
इसका मतलब ये हुआ कि t डैश अपॉन t इज इक्वल टू m प्लस 1 और m अंडर रूट और t डैश 5 बाई 3 एंड m प्लस 1 और m, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 25 बाई 9 इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन m, मतलब 25m 9m और प्लस 9। इसका मतलब ये हुआ कि 16m अपॉन इज इक्वल टू 9, मतलब m की वैल्यू आ जाएगी वो 9 बाई 16 kg, दैट इज द एक्चुअल मास। जो शुरू शुरू में मास था वो इतना था मेरे प्यारे बच्चों, 9 अपॉन 16, दैट इज डी ऑप्शन सही है। देख लेना, कोई मिस्टेक ना हो, मैं रोबोट नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो, मैं तुम्हारे जैसे ही इंसान हूँ, तो गलती किसी से भी हो सकती है। तो ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैक्सिमम एक्सलेशन अल्फा है एंड मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है, देन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। मुझे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत अच्छा लगता है, तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए। इट इज़ द वेरी गुड चैप्टर। ये मीन पोजिशन है, यहाँ से पार्टिकल जाएगा, आएगा, इधर रुक नहीं पाएगा, इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा। ये एक्सट्रीम पोजिशन है और ये मीन पोजिशन है। अब कहता है मैक्सिमम एक्सलेशन अल्फा है, एक्सलेशन पोजिशन डिपेंडेंट लिख दूं तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज द एक्सलेशन। अब एक्सलेशन मैक्सिमम कब होगा? जब पोजिशन मैक्सिमम होगा। पोजिशन मैक्सिमम कब होगा? जब एक्सट्रीम पोजिशन यहाँ पर होगा प्लस ए, ये वाला डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। तो एक्सलेशन जो मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। एक्सलेशन मिनिमम कब होगा? जीरो, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। चलो वेलोसिटी पोजिशन डिपेंडेंट लिखो, ओमेगा ए एम्पलीट्यूड ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट। अब वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? बोलो, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। अब एक्स ए के बराबर हो जाएगा एम्पलीट्यूड के, तब तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यार, तो एम्पलीट्यूड ए है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, वो आ जाएगी ओमेगा कैपिटल ए। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज द मैक्सिमम एक्सलेशन। अब हमें क्या कहता है कि मैक्सिमम एक्सलेशन अल्फा है एंड मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है, तो टाइम पीरियड निकालना है। मैक्सिमम एक्सलेशन अल्फा है और मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है, चलो टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए यार? मैक्सिमम डिवाइड कर दिया जाए, निगेटिव साइन को इग्नोर कर दो, इसमें से इसको डिवाइड कर दोगे तो अल्फा बाई बीटा, निगेटिव साइन को मैंने इग्नोर कर दिया, और ओमेगा ए, ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा, एक बार और आपके लिए लिख देता हूँ, तो यह आ जाएगा ओमेगा। हमें क्या चाहिए? टाइम पीरियड चाहिए ना, देखो तो टाइम पीरियड चाहिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π t, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2π β अपॉन अल्फा, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। टाइम पीरियड इतना आ जाएगा 2π β अपॉन अल्फा, 2π β अपॉन अल्फा, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन बी। चलो ये पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और दो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वेलोसिटी है, x1 पोजीशन है, x2 पोजीशन है मीन पोजीशन से, तो वेलोसिटी v1 है और v2 है, तो टाइम पीरियड निकालना है। अब इस क्वेश्चन को करने में क्या होता है, बच्चे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ये हमारा SSM रहा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, इधर पार्टिकल जाएगा, आएगा, रुक नहीं पाएगा, फिर वापस आएगा। तो यहाँ अब जो वेलोसिटी होती है पोजीशन डिपेंडेंट वो ओमेगा एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होती है, ये पोजीशन डिपेंडेंट होती है। अब पहली बार वेलोसिटी v1 है, ओमेगा तो एक SSM के लिए कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है एक SSM के लिए, माइनस एक्स डैश स्क्वायर अंडर रूट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी SSM के लिए जो वेलोसिटी है वो v2 है, ओमेगा उस SSM के लिए कांस्टेंट रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, माइनस पोजिशन x2 का स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2।
अब हमें क्या निकालना है बोलो, हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने का पहला तरीका ये है कि इन दोनों से डिवाइड कर दूं, फिर डिवाइड करने के बाद मान लो डिवाइड करने के बाद ओमेगा है, ओमेगा निकालोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा। हमें एक्स वन और एक्स टू रहने देना है। तो एक काम करते हैं, इसको देखो घटाना है, या तो जोड़ना है या तो घटाना है इसको। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ऑप्शन से देख के पता चल रहा है, बी वन बी टू को या तो जोड़ना है या तो घटाना है। तो बी वन अपॉन ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, यहाँ से सिंपली सॉल्व हो जाएगा। बी टू ओमेगा टू का स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा ही रहेगा भाई, टू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूँ, इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, तो ए इलिमिनेट हो जाएगा, और जो कि मैं सही करूंगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो टू ए आ जाएगा, जो कि टू ए एक अननोन वेरिएबल जनरेट हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जो इसमें है ही नहीं, मतलब इन दोनों को मुझे घटाना पड़ेगा। ये सब आइडिया मुझे देख के पता चल रहा है ऑप्शन से, ऑप्शन का भी कभी कभी फ़ायदा उठाया करो। तो इसका मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो बी वन ओमेगा का स्क्वायर माइनस बी टू ओमेगा का स्क्वायर, और इसको इसमें मैं घटाऊंगा माइनस करूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। ये अब हमें चाहिए मेरे प्यारे बच्चों टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे ओमेगा को एक साइड करना पड़ेगा, तो वन अपन ओमेगा कॉमन हो गया, वन अपन ओमेगा कॉमन हो गया, तो बी वन स्क्वायर माइनस बी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर अंडर रूट दैट इज ओमेगा, है ना। वन अपन ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिए और जोड़ जाड़ लिए, तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो टू पाई एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर ये अंडर रूट। मतलब ये हुआ, देखो कोई मैच किया, एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन का वी वन माइनस वी टू टू पाई, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। चलो इस तरह से आप करो, फास्ट कैलकुलेशन करो, जितना फास्ट करोगे रोबोट की तरह कैलकुलेट करो। वेन टू डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाई, देखो साइन, एक साइन का फंक्शन है एक कॉस का फंक्शन है, हम सबको पता है साइन या कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और टेन एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता क्योंकि उसकी वैल्यू कभी रिपीट नहीं करेगी ना। टेन का ग्राफ देखे हो ना, टेन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ऐसे जो कभी इन्फिनिटी को टेंड करता है वो रिपीट नहीं करता है। इसकी शक्ल लग रही है क्या, कभी रिपीट करने वाली? तो ये एक्चुअली हमें साइन और कॉस का ग्राफ दिया हुआ है, और ये SHM को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल पीरियोडिक फंक्शन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो एक नया मोशन बनेगा, तो क्या वो ऑसिलेशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, पीरियोडिक होगा, वो हमें बताना है। तो ये कॉन्सेप्ट आप कैसे सॉल्व करोगे, सुपर पोजिशन ऑफ SHM, दो SHM को मिलाने से क्या बनेगा, वो वाली कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। अब पहला जो SHM है वाई वन, वो देखो ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा जो है वो है बी कॉस ओमेगा टी, दोनों एक पीरियोडिक फंक्शन है और दोनों अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका एम्पलीट्यूड ए है, उसका एम्पलीट्यूड बी है, तो इनके मिलाने से क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा। अगर इस क्वेश्चन को आप करना चाहते हो तो आपको बेसिक आइडिया पता होगा, तो वो बच्चा एक लाइन में क्वेश्चन कर लेगा जो थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है और पढ़ा है। तो जो नया SHM बनेगा वो बनेगा y1 प्लस y2 दैट इज a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t। अब एक बच्चा को पढ़ाया गया है कि जो पीरियोडिक फंक्शन है वो सेम फ्रीक्वेंसी है लेके सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो जो नया मोशन बनेगा वो SHM ही होगा। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी बदल जाती, मान लो a साइन ओमेगा t और प्लस b कॉस टू ओमेगा टी,
होता। तो ये जो फंक्शन है, आप एक ए भी पीरियोडिक है, ए भी पीरियोडिक है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो जो सुपर पोजिशन होगा, ये नया जो SHM है, ये एक पीरियोडिक मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इट्स नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये जो है, इसमें कितने भी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी जोड़ दो, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा। जैसे ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस सी साइन ओमेगा टी, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और पीरियोडिक भी है। ये बात याद रखना कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो तो पीरियोडिक तो होगा ही होगा, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। तो ये जो है वो, ये बात मुझे कैसे पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत पढ़े हो। अगर मान लो किसी को कुछ नहीं आता है, तो उसके लिए भी मैं दवा देता हूँ, उसके लिए भी मैं इलाज करता हूँ। अब मैं आइडियाज़ बता रहा हूँ जो कुछ पढ़ा है, तो वो तो फर्स्ट उसको तो पता है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और फेज डिफरेंस साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी में फेज डिफरेंस पाई बाई टू है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर, मतलब ए ऑप्शन सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अब एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, वो उसको कुछ नहीं है समझ में आ रहा, तो वो क्या करेगा, उन दोनों को सुपर इम्पोज करेगा। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये वो बच्चा जिसको कुछ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं, पढ़ाया नहीं गया होगा या पढ़ा नहीं होगा। अब इन दोनों को मिलाने, अब ये इक्वेशन SHM है या नहीं है उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा भाई, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, कोई भी इक्वेशन है, मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, वो SHM होगा या हो नहीं होगा, उसका डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर डबल डिफरेंशिएट करोगे और डबल डिफरेंशिएशन इस फॉर्मेट में आता है, तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन SHM को रिप्रेजेंट करेगा। और SHM है तो पीरियोडिक है, हर एक पीरियोडिक SHM नहीं है। तो अब मैं इसको एक दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करें तो वाई डैश ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस बी ओमेगा और साइन ओमेगा टी, ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, डी वाई अपन डी टी हो गया, डबल डिफरेंशिएशन, डबल वाई, इसको ऐसे भी डबल डिफरेंशिएशन को ऐसे भी लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन का कॉस का साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आता है ना डिफरेंशिएशन भाई। इसमें से माइनस माइनस मैं कॉमन ले लूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो ए साइन ओमेगा टी और प्लस बी कॉस ओमेगा टी ब्रेकेट में बच गया, और ये क्या है, कुछ नहीं, ये एक्चुअल फंक्शन है वाई वाई है, ये पूरा वाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डबल डिफरेंशिएशन है, ये डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुपर इम्पोजिशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, या तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने प्रूव कर दिया। अब जब हमने प्रूव कर दिया इतना, तो अब इसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता भैया, जब दो सुपर दो SHM मिलते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाई, उनके बीच का फेज डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, पहला वाला था ए साइन ओमेगा टी और दूसरा वाला था क्या था, बी कॉस ओमेगा टी, और बी कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू साइन ओमेगा टू। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना बोलो, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस ये जीरो हो गया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। इट इज़ वेरी लॉन्ग मेथड, और यही इसका एक्चुअल जो है, जिसको नहीं आएगा वो ऐसे स्ट्रगल करेगा। जो स्मार्ट है, जो थोड़ा बहुत साइन कॉस
में पढ़ाया गया और पढ़ा है सुपरपोजिशन, उसको ये ट्रिक बताया गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी SHM ही होता है और पीरियोडिक भी होता है, वो डायरेक्ट लगा लेगा। चलो, ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी यानी स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस रिप्रेजेंटेड बाई एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स टाइम पर डिपेंडेंट है और कॉस का फंक्शन है, मतलब पीरियोडिक है, मतलब SHM है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सलेशन टाइम, अब एक्सलेशन टाइम ग्राफ बनाना है आपको, ग्राफ कैसे बनाओगे एक्सलेशन टाइम, जब इक्वेशन निकालोगे तो अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इतना है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx ओवर dt, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो a ओमेगा और cos का बोलो sin ओमेगा t, दिस इज द डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम dv ओवर dt, एक बार इसको डिफरेंशिएट करें और ये माइनस आएगा ना भाई, cos है ना तो माइनस, तो ये इसको माइनस a और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, दिस इज द एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये जो ग्राफ है वो कॉस का ग्राफ है यार, माइनस वाई एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा का ग्राफ है, ये माइनस कॉस थीटा का ग्राफ, अगर एक्सलेशन और टाइम में अगर ग्राफ बनाया जाए तो एक्सलेशन जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो एक्सलेशन निगेटिव था, जब टाइम जीरो था तो एक्सलेशन निगेटिव था, तो ये कभी सही हो, ये कभी किसी ज़माने में सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, जब टाइम जीरो था तो एक्सलेशन पॉजिटिव है, ये कभी सही नहीं हो सकता, मतलब यही सही है, ठीक है। वैसे भी यार कॉस निगेटिव का ग्राफ आपको पता होगा, कॉस पॉजिटिव का ग्राफ कैसा आता है, बना दूँ एक बार, कॉस थीटा का ग्राफ दैट इज ये जो सुंदर सा ग्राफ होता है y और ये थीटा, y इज इक्वल टू cos थीटा का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा ऐसा आता है, जब cos थीटा जीरो है तो y की वैल्यू मैक्सिमम है जो कि प्लस वन है, और y इज इक्वल टू माइनस cos थीटा का ग्राफ निगेटिव, यहाँ से नीचे से स्टार्ट होगा ऐसा कुछ, तो ये माइन इसका जो हमें चाहिए और ये y इक्वल टू cos थीटा का येलो वाला, तो इस टाइप से कुछ ग्राफ आता है। यू नीड द बेसिक मैथमेटिक्स SHM को पढ़ने के लिए, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है वो आपको साइन थीटा cos सुपरपोजिशन और ये बात थोड़ी सी बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार डाउट में आता है, अब इसको करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका है कि साइन cos थीटा से आप मिले होंगे, परिचय हुआ होगा आपको, इनके बारे में थोड़ा बहुत जाने होंगे, फैकल्टी ने पढ़ाया होगा, तो वो बच्चा तुरंत कर लेगा, उसका टाइम बच जाएगा और वही रेस जीतेगा, वही विनर होगा। एक बच्चा है जिसको कुछ पढ़ाया ही नहीं गया या तो वो पढ़ा ही नहीं है, तो उसके लिए जो क्वेश्चन है वो एक स्ट्रगलिंग क्वेश्चन होगा, वो स्ट्रगल करेगा और स्ट्रगलिंग में गलती होती है, तो पहले स्मार्ट तरीके वाले से करते हैं, जिसको कुछ पढ़ाया गया है, जिसको ट्रिक कुछ बताया गया है, हम सबको पता है अगर सुपर पोजिशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन है, साइन थीटा कॉस थीटा सेम फ्रीक्वेंसी लेके सुपर इम्पोज करते हैं तो वो जो सुपर इम्पोजिशन है, फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस सी साइन ओमेगा टी एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ भी जो सेम फ्रीक्वेंसी है, पीरियोडिक है, तो ये जो इक्वेशन होता है वो पीरियोडिक भी होता है और SHM भी होता है, तो पहला वाला जो है वो तो SHM रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सिंपल समेशन ऑफ साइन और कॉस SHM का है। अब आपको ये भी बात पढ़ाया गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा या साइन की पावर क्यू, ये जो होते हैं, ये जो साइन थीटा वो तो SHM होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर की पावर क्यू ये जो फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक तो होते हैं पर SHM नहीं होते हैं, ठीक है। इनका ग्राफ देखोगे आप ना तो थोड़ा सा आपको बना दूं मैं, डरना नहीं, साइन स्क्वायर साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे, अब जो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ आता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऐसे ही आता है साइन स्क्वायर, तो ये तो यार कभी
साइन स्क्वायर थीटा कभी भी SHM को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। तो ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और ये कभी SHM को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये लॉजिक से हमें क्लियर हो गया कि ये SHM नहीं है और ये कभी जमाने में पीरियडिक ही नहीं होगा। तो जो पीरियडिक ही नहीं होगा तो वो कभी सपने में भी SHM नहीं होगा यार, क्योंकि टी टेंड टू इन्फिनिटी पे वाई की वैल्यू इन्फिनिटी टेंड करे जो कभी रिपीट ही नहीं करेगा। तो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए सफिशियंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अभी इसको भी बता देता हूँ और ये डायरेक्ट फार्मूले बेस पे है। y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, डायरेक्ट फार्मूले बेस पे है और ये पीरियोडिक भी है SHM भी है। तो ये SHM है, ये SHM है, ये पीरियोडिक है, ये नॉन पीरियोडिक है। अब यहाँ से निकाल लो विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट SHM। SHM इसमें से फर्स्ट और थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट और सी ऑप्शन सही है। अब एक बच्चा जिसको ये सब डेटा नहीं पता है, उसको बताया नहीं गया या पढ़ा नहीं है, अब उसके लिए क्या होगा? वो स्ट्रगल करेगा। कैसे स्ट्रगल करेगा उसको मैं दबा देता हूँ। देखो हम सबको पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है वो SHM कब होता है? जब वो डी स्क्वायर वाई के फॉर्म है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कोई इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा और वो पीरियोडिक भी होगा, SHM भी करेगा। अब हर एक के लिए एक चेक करो, इस फॉर्मेट में है ओमेगा, कोई कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर, तो पहला वाला चेक करें। तो पहला वाला जो है मैं आपके लिए एक चेक कर देता हूँ, वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ये अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वाई डैश इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन का एक ओमेगा और साइन ओमेगा टी। ये एक बार और करो, एक बार ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो तो साइन ओमेगा टी और माइनस कॉस ओमेगा टी और ये कुछ नहीं है, ये वाई ही है, स्क्वायर वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर दैट इज मस्ट बी इक्वल टू दैट इज डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, यहाँ माइनस भी नहीं आना चाहिए, वो SHM रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करेगा, पीरियोडिक भी होगा पहला। ये दूसरा वाला जो इक्वेशन है साइन की पावर क्यू है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, y इज इक्वल टू साइन की पावर क्यू ओमेगा टी, या तो इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगा यार। अगर आपको फार्मूला याद है कि साइन की पावर थ्री थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर थ्री साइन थीटा और माइनस साइन थ्री थीटा होता है, तो इस फॉर्म पे इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। तो वाई इज इक्वल टू वन बाई फोर थ्री साइन ओमेगा टी और माइनस साइन थ्री ओमेगा टी। अब अच्छे से देखो ब्रैकेट में कि ये जो है वो साइन ओमेगा टी है और ये थ्री साइन ओमेगा टी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं। तो ये क्या है, एक पीरियोडिक है क्योंकि साइन है और SHM नहीं हुआ क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है, पीरियोडिक रिप्रेजेंट करा और SHM नहीं है और ये डायरेक्ट फार्मूले बेस है। इसको भी करके आप देख सकते हो। इस तरह से वो बच्चा करेगा जिसको बेसिक नहीं आता है, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।